नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं पवित्र चैनल। आपने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मल मास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है। अब हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि ये मल मास में आपको क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे ये एपिसोड में। इसमें अभी हमें करना क्या होता है दोस्तों, इस मास में सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या नहीं करना होता है। तो शास्त्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कुआं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना, शादी करना, मंदिर की स्थापना करना, मुंडन करना, ये सारे कार्य जो बड़े बड़े कार्य हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी वस्तु खरीदना, बहुत अच्छी वस्तु खरीदना, ये सारे कार्य वर्जित कहे गए हैं दोस्तों। इसमें ये काम नहीं करने चाहिए, विवाह भी नहीं करने चाहिए, मंदिर में कोई मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर को जो बनाने का कार्य है वो नहीं करना चाहिए, नींव नहीं डालनी चाहिए। ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो ये मास में नहीं करनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो इसका परिणाम आपको आगे जा कर के भोगना पड़ता है। नए वस्त्र भी आपको नहीं खरीदने चाहिए, यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में। इसीलिए यदि आप कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं तो एक महीने के लिए आपको ये कार्य को थोड़ा रोक देना चाहिए। ये जो समय शुरू हो रहा है 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त तक आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये समय में हमें क्या कुछ करना चाहिए दोस्तों। ये समय देखिए विष्णु भगवान का होता है। यहाँ पर यदि आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ तो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि थोड़ी सी आराधना करने से, थोड़ी सी पूजा पाठ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर विष्णु का बहुत ही पावर बढ़ जाता है। तो वो पावर के अंदर जो लोग भी उनकी थोड़ी भी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 7 रेमेडी भी बताने वाला हूँ, तो वो 7 रेमेडी भी आप कर लेते हैं समय के हिसाब से, तो आप मान के चलिए कि वो जो भी आपके अवरोध आ रहे हैं वो अवरोध ज़रूर खत्म होते हैं। भगवान विष्णु बहुत सारा आपको आशीर्वाद देते हैं। और 2023 में एक सबसे बड़ी बात आई है कि ये जो मलमास है दोस्तों, ये मलमास आपके श्रावण मास में पड़ने से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर शिव की ऊर्जा है वहीं पर विष्णु की ऊर्जा है दोस्तों, है ना। कहते हैं कि श्रावण मास में भगवान जो देवशयनी एकादशी है वहाँ पर विष्णु क्षीर सागर में जाकर के आराम करते हैं और भगवान शिव को इस सृष्टि का पूरा अधिकार दे देते हैं कि अब आप 6 महीने चलाइए इस सृष्टि को। उसी प्रकार से श्रावण मास है उसमें शिव की तो ऊर्जा है, लेकिन मलमास आने की वजह से यहाँ पर पुरुषोत्तम मास भी एक आ गया है जो कि शिव और विष्णु की ऊर्जा दोनों चलेगी। तो ये साधक के लिए बहुत अच्छा समय होता है और साधक अपनी जो ऊर्जा है उसको बढ़ा सकता है, चक्रों में जो ब्लैक एनर्जी है उसको निकाल सकता है, चक्र से वो जुड़ करके बहुत सारी शक्तियों को वो अर्जित करने का समय होता है मल मास। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के हम आपके सामने आते रहते हैं, तो आपके सारा ज्ञान जो है वो स्किप ना हो जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।